सुनाओ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, अब आप कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रियाज पिजन वर्ल्ड के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से। अच्छा जी, ये कुछ लोगों से दिनों से ना मुझे कुछ दोस्त फिरोजपुरी की डिमांड कर रहे हैं, ओरिजिनल फिरोजपुरी। अब ओरिजिनल किसको कहते हैं वैसे ये मुझे कोई पता नहीं, मुझे जो अच्छे लगे हैं। एक दोस्त के पास बड़े शानदार कबूतर जो प्रॉपर इंडियन जालीदार आँख, ग्रे कलर की, डार्क कलर की, जो मांगते हैं लोग। वैसे तो अब चेंजिंग बहुत आ गई हुई है कबूतरों में, तो जो मुझे लगे कि यार ये दोस्तों को पसंद आ जाएंगे, तो एक पेड़ मैंने निकाल लिया है। तो दोस्त, तीन चार दोस्तों ने कहा है। अब बात ये है कि बात आके ख़त्म होती है पैसों पे और अपने अपने रंग की पसंद पे। जिसको इस रंग में समझ लगे कि यार ये उसके काम आने वाले फिरोजपुरी हैं, इस आँख में, इस रंग में, तो वो दोस्त रब्ता करे और जो कीमत दे सकता हो। महंगा जोड़ा है 20,000 रुपये का जोड़ा है, आपका क्लियर पहले बता रहा हूँ। अक्सर बाज लोग शिकायत करते हैं कि यार आप रेट नहीं बताते, तो कुछ कबूतरों के बता देता हूँ, कुछ के मैं नहीं बताता होता। व्हाट्सएप पे भी बात करेंगे। 20,000 का ये पेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी हालत में, ये बिल्कुल जेन्युइन पेयर है। ओवरेज ज़रूर हैं लेकिन अंडे बच्चे 100% करते हैं। ओवरेज से मुराद है कि 4-5 साल के होंगे, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जेन्युइन पेयर है ये। इसके बाद में इधर आके किसी ने लेना हो, बिस्मिल्लाह, इधर आ जाएँ, इधर आके आप ले जाएँ। तो मंगवाना हो तो हम मंगवा लें, मैं आपको शौक इसका करवा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितनी को लाइट आ रही है, आज लाहौर में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। मैं साथ में फ़ोन भी चेक कर लूँ। आँख आपने गौर से देख लेनी है, मैं स्पेशली खुडे से बाहर आ गया हूँ। मैंने कहा जी वो धुंध की वजह से रोशनी कम हुई हुई है और कुछ नज़र कुछ नहीं आ रहा, जितना का नज़र आ रहा है उतना को आप तक दिखा दिया। ये देखें काले पल्ले हैं और जो कलर होना चाहिए वो कलर भी है और इसके अंदर परों में वाइब्रेशन भी है। तो वाइब्रेशन देख लें, इसके बाद ये पल्ला आप देख लें इसका पूरा। और ये पुराने कबूतरों में ये वाइब्रेशन होती होती है। दूसरा पल्ला भी आप देख लें, जेन्युइन ब्रीडर है इसकी। आप ये पहली कली, आखिरी कली इधर से और पहली कली इधर से, बगल छोटी है, ये कली बड़ी है। और अक्सर असाज़ा कराम कहते हैं कि ये कबूतर ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है जिसका पहला पर बगल से बड़ा हो। अब आगे इस पे कितने लोग मेरी बात पे इतफाक़ करते हैं, मेरी बात नहीं, ये मैं भी किसी उस्ताद की आगे बात बता रहा हूँ। या अच्छा, ये मादा है, इसको क्लोज़ करते हैं ज़रा। इसकी आँख में ऑलमोस्ट स्टार बना हुआ है और ये बड़े नायाब होते हैं, ये देख लीजिएगा स्टार, इसका पूरा जो पहला रिंग है ना पूरा स्टार ही बना हुआ है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और क्लोज अगर हो जाए तो ये देखें, और ये स्पेयर के लिहाज से अभी उस तरह पैसे नहीं मांगे हुए, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये किसी उस्ताद के घर में पड़ा हो तो जिस तरह फिरोजपुरी लोग देते हैं ना, दोस्तों को पता है ओरिजिनल हालत में। इसकी इधर से बल्कि कलियां कुछ आ रही हैं, क्रीज में गई हुई है, इधर से पार कुछ बेहतर है, यहाँ पे पार बिल्कुल ठीक है। पल्ला शल्ला हर चीज़ ओके है, दुम इसकी आप देख लें, कोई फ़र्क नहीं है कबूतरों में। नहीं जी, ये पेयर है बाहर, ये जाली में वैसे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, टक्कर में मार रहे थे इधर उधर, मैं इनको अंदर ले आया हूँ। ये नर और ये मादा, ठीक है जी। फिरोजपुरी पेयर जिस दोस्त को समझ लगती हो और रब्ता कर सकता है, 20,000 रुपया मैंने आपको उसकी कीमत बता दी हुई है। अब आगे जिस दोस्त को समझ लगती है जनाब, वो रब्ता कर लेगा।